अच्छा ये क्वेश्चन नोट करने हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आज की क्लास पढ़ाई थी उससे रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवांस में पूछे हुए हैं ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू मोल ऑफ एन आइडियल गैस टू मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स इरिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली। इरिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली एट 37 डिग्री सेल्सियस, 'टिल वॉल्यूम इज डबल्ड, टिल वॉल्यूम इज डबल्ड एंड 3.141 किलो जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब। इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग्स, तो निकालना है डेल्टा एस टोटल क्या है, कैलकुलेट डेल्टा एस टोटल। अच्छा उस दिन जो रात को 1:30 बजे तक क्लास हुई थी उसका किस किसने पढ़ लिया तुम में से, 11th वाले बच्चों में से? निष्ठा ने पढ़ लिया, मुदित ने पढ़ लिया, और कोई? अर्शी तुमने कर लिया क्या? सर मैं पूरा नहीं हुआ बट मैंने मोस्ट तो कर लिया अच्छा क्लास क्यों मिस की उस दिन? सर। एक्चुअली मैंने रियलाइज नहीं किया, मतलब मुझे बाद में पता चला उसका। अच्छा चलो कुछ नहीं, तो और इसमें अतुल्य ने किया था अटेंड। आयुष, आयुष कर लिया तूने? आयुष यस आयुष तूने क्लास वो जो 1:30 तक क्लास हुई थी तूने अटेंड की थी उस दिन पूरी क्लास? नहीं करी थी, मैं कर लूंगा उसको। मैं आयुष मिस कर रहा, आज भी क्लास में नहीं आया तू, क्लास मिस किया तूने। आज कर लिया लेक्चर की नहीं वाली कर लिया। कर लिया? चल सही है, चलो अब एक बार जल्दी से इसका आंसर बोलेंगे, देखो कौन निकालता है। IIT में पूछे हुए क्वेश्चंस ये, देखो कौन निकालता है आंसर इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एडवांस ही पूछे हुए हैं क्वेश्चंस। गर्व ने आंसर निकाल लिया, और किसी ने निकाला आंसर? गर्व क्या आंसर निकाला है? सर वो 3.28 जूल पर केल्विन। 3.28 जूल पर केल्विन, और किसी ने निकाला है? नहीं, एक मैं करके दिखा रहा हूँ फिर देखेंगे आगे। देखो उधर, और किसी ने आंसर नहीं कहा इसका? ये काव्य निकाला आंसर इसका? हेलो चलो सर, अब ये ना इससे मतलब एक जो मैंने बोला है उससे थोड़ा कम है, क्योंकि मैंने वहां पे वो 3.14 लिख रखा था। तू मेथड देखियो, क्योंकि आंसर शायद तेरा गलत है, तू मेथड देखियो सिर्फ। देखो
आज जो क्लास में कराया ना उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे ये इरिवर्सिबल आइसोथर्मल वाला केस है, क्या लगे ना? इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, आज थ्योरी पढ़ाई क्लास में जो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल वाला केस है, तो डेल्टा एस सिस्टम इसका क्या होता है? आइसोथर्मल है, एन आर नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन, याद आ गया कि नहीं? तो इसमें डायरेक्ट लगा दो फॉर्मूला, 2.303, एन की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू किलो जूल में लेनी है तो 8.314, लॉग वी टू बाई वी वन, लॉग वी टू बाई वी वन वॉल्यूम इज डबल बोला था इसने, सेल वॉल्यूम इज डबल, लॉग 2 आ जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 13.28 13.28 आ रहा सॉल्व करने पर ये। अगर देखिए सर इतना इनटू तो टू नहीं आ थर्टीन रहा, पॉइंट तो टू एट इनटू टू इंटू टू यानी 26 आ रहा है। हाँ हाँ मतलब 13 हाँ 13.28 इनटू टू मैंने टू मिस कर दिया था। अगर मेरी बात सुन, ये देख 2 8 16, 16 2 32, 32 का तू 35 भी मान ले बेशक, है ना? 35 into 0.3, 1/3 करना है, ये तो 11 12 आएगा ना आंसर? इलेवन तो देखता पॉइंट हूँ फोर मैं ये एट भी, इलेवन पॉइंट फाइव ये अर्शी ने शायद सही बोला है, ये 11 पॉइंट कितना अर्शी? 48 48, हाँ 11.5 मान लो उसको, 11.5 आ गए। अगर कैसी कैलकुलेशन कर रहा तू, जूल पर कैलविन में आ जाएगा डेल्टा एस, डेल्टा एस आ गया जूल पर कैलविन में, और उसके बाद डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होता था इसका याद है? डेल्टा सराउंडिंग, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया सराउंडिंग से, तो सिस्टम का पॉजिटिव तो सराउंडिंग का नेगेटिव, माइनस क्यू बाई टी। जिसने थ्योरी पढ़ी हुई है उसको समझ आएंगे क्वेश्चन ये, माइनस क्यू बाई टी सराउंडिंग से कैसे निकालते थे, माइनस क्यू बाई टी, और क्यू इसने डायरेक्ट दे रखा है, 3.41 किलो जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब, तो कितना आ जाएगा? -3410 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? डिवाइड बाय 310, डिवाइड बाय 310, तो ये तो अप्रोक्सीमेटली पूरा ही कैंसिल हो रहा है। इलेवन हाँ ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है ना, ये कितना आ रहा इलेवन है? 11। माइनस तो ये आ गया -11, -11 जूल पर केल्विन ये आ गया, और डेल्टा सिस्टम ये है, डेल्टा इस टोटल क्या होगा? डेल्टा सिस्टम 11.5 -11, यानी आंसर आना चाहिए 0.5 के आसपास। अर्षी तुम्हारा सही है आंसर? सर, मैंने पूरा किया नहीं था, मैं कर ही रही थी। ऐसे ही कर रहे थे? यस सर, इतना तो कर लिया था। देखो अर्षी, अब तुमने ये किया, ये मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस अब ये जैसे कर रहे हो, तब थ्योरी पढ़ी है तो जाके हो रहा है कि पहले हो जाता तुमसे डायरेक्ट? सर पहले तो नहीं होता। नहीं होता, ये इम्पोर्टेंट है भाई। 8 प्रोसेस जो मैंने रटवाए ना क्लास में, वो करना है पूरा ढंग से, तब जाके क्लियर होंगी चीजें, ये सही ना? जो 8 प्रोसेस कराए ना, 8ों करने हैं, रिवर्सिबल के भी और इरिवर्सिबल के 4 चाहिए। एक बार हैंड्स, जिसने आज क्लास अटेंड किया उसको समझ आ गया, और हैंड्स करेंगे जिसको समझ आ गया है, जल्दी से। सही मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, यही कर रहा था। गर्व मैं यही तेरे चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन मिस्टेक तेरे बिल्कुल भी ना हो, पूरा कैलकुलेशन कर प्रॉपर, पूरा समझ गया कि नहीं? यस सर गर्व, कीर्ति, दिया, विधि, प्रियंका, अर्षी, अतुल्य, निष्ठा, आयुष, काजल, मुदित, हितेश, चित्राक्ष, ध्रुव, भव्या, समझ नहीं आया? कशिश ने भी क्लास अटेंड नहीं किया, कशिश अटेंड नहीं कर रही क्लास ढंग से। भव्या, कशिश, जब तक तुम्हारी दिक्कत खत्म नहीं होती तो तुम ऑनलाइन ले लिया करो क्लास तुम, और बस वेडनेसडे का अगर अरेंज कर सकते हो तो आ जाओ। भव्या, कशिश, कव्या, कव्या नहीं समझ आया क्वेश्चन? आ गया विधि को, विधि क्लास अटेंड तो की थी आज, विधि चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी, चलो एक और इसी टाइप का, थोड़ा फास्ट लिखना है। इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एट 300 केल्विन, इरिवर्सिबल प्रोसेस है एट 300 केल्विन, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम ए, 1 मोल आइडियल गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम प्रेशर फ्रॉम प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर
ऑफ 50 एटमोसफेयर, ऑफ 50 एटमोसफेयर, कैलकुलेट टोटल एंट्रोपी चेंज इन दिस प्रोसेस। ध्यान, टोटल एंट्रोपी चेंज निकालना है इसके अंदर। करो ट्राई। सर प्रोसेस गिवन है कौन सा है? सर सोच एक बार, मुझे कौन सा होगा प्रोसेस? एक बार आपने आईजी क्या लिखा है? आइडियल गैस, सुना करो ढंग से एक बार। हाँ मुझे सोच पा रहा है प्रोसेस? यस सर, मतलब मुझे लगा था क्वेश्चन में गिवन है, मैंने नहीं सुना सर, वो तो मैं करता हूँ। तो 1.5 आ रहा है उसका। अगर 1.5 कह रहा है, यस सर, अगर एक मिनट और किसी ने निकाला उसका आंसर, और किसी ने निकाला? अच्छा गर्व, ये कौन सा केस लिया तूने? आइसोथर्मल लिया आइसोथर्मल रिवर्सिबल ना, है, इरिवर्सिबल। हाँ यही ध्यान रखना। इसी का क्वेश्चन आना पेपर में, इसी का क्वेश्चन आएगा, अलग नहीं आएगा कोई क्वेश्चन। और किसी ने निकाला है? मेरा भी 1.5। 1.5। ये कैलरी में निकाला, किसमें निकाला है? जूल पर कैल। जूल पर केल्विन में, ऐसे ही आना चाहिए लगभग। पर तरीका देख लियो एक बार, आंसर तो नहीं पता, एक बार तरीका नोट करना सिर्फ। डेल्टा सिस्टम, डेल्टा सिस्टम क्या होगा इसके अंदर? वही सेम एन आर नेचुरल लॉग V2 बाई V1। तो 2.303 एन आर, एन की वैल्यू कितनी? 1 है। आर को भी मैं अगर कैलरी में लेता हूँ बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। लॉग V2 बाई V1 कितना लिया है? V2 बाई V1 को P1 बाई P2 कर सकते हैं। ये कितना आ गया? 4.6 × 0.3 ना चित्राक्ष, चित्राक्ष चित्राक्ष,
चलो एक ही आ गया, डेल्टा सिस्टम, डेल्टा सराउंडिंग्स, डेल्टा सराउंडिंग्स होगा क्यू बाई टी नेगेटिव में, डेल्टा सराउंडिंग्स होगा माइनस क्यू बाई टी, क्यू को लिख देंगे डब्ल्यू बाई टी, डेल्टा इज टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, डेल्टा ई जीरो होगा क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू बाई टी, ये आ जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डीवी बाई टी, ये याद होगा तुम्हें, याद है कि नहीं? फाइनल टेम्परेचर वही आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो एक्सटर्नल प्रेशर था 50, 100 माइनस 50 अपॉन में टेम्परेचर फाइनल सेम है 300 केल्विन, तो ये कितना आ गया यहाँ से? यहाँ पे मतलब 1/100 वो नहीं करना चाहिए। हाँ एक मिनट को, यहाँ पे गड़बड़ होगी ना, ये तो प्रेशर है, डीवी तो निकालना पड़ेगा ना हमें पूरा, सर, वो NRT/P करते हैं। हाँ डीवी तो निकालना पड़ेगा पूरा यहाँ पे, एक मिनट रुकेंगे इसको, ये तो वो प्रेशर दे रखा है ना, ये होगा माइनस पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल यानी वैल्यू दे रखी है इसकी 50, वी टू माइनस वी वन, वी टू होगा एन आर टी बाई पी टू, 1 आर इंटू 300 बाई पी टू 50 है, माइनस 1 आर 300 डिवाइड बाई 100 अपॉन में टी, टी है 300, यही किया अगर बस यस सर, उसका दोनों को ऐड कर देना, डेल्टा टोटल आ जाएगा, कैलकुलेशन देख लेना, जो गर्व निकाला वही आंसर होगा, अगर वैसे ही किया तो जो गर्व ने निकाला आंसर वही होगा आंसर उसके अप्रोक्स में, और किसी ने कर लिया था, ये दोनों को ऐड कर देना, डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग्स, डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग्स, सेम क्वेश्चन थे दोनों, ये उसमें क्यू डायरेक्ट दे रखा था, इसमें डायरेक्ट दे नहीं रखा है, और किसी से हुआ था कि नहीं ये? हाँ अर्शी से हो गया था, अर्शी मेरे को तुम्हारा पता है, अर्शी से हो गया था, और एक सर एकदम लेट लेट हुआ था थोड़ा, पर हो गया था। अच्छा चलो सही, वही है ना, वही कंसेप्ट लग रहा है कि नहीं मुदित? यस सर, सेम ही था, बस सेकंड स्टेप अलग था। हाँ अब ये क्वेश्चन और निकाल देंगे जल्दी से, ये क्वेश्चन और निकालेंगे जल्दी से, निकाला किसी ने आंसर? 2011 का क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा हुआ है, अभी नोट कर लूं। इसमें सिस्टम का जाओ, तुम सिस्टम को भी निकाल सकते हो, काव्य कितना लेक्चर कर लिया तूने? यस सर, कितने कर लिए लेक्चर तूने उसके? अब ये आ गया और टॉपिक कहीं कि नहीं अभी? अभी नहीं आया सर। नहीं आया, अच्छा सर लगभग -1 जूल आ रहे, माइनस जूल पर वन केल्विन, जूल पर केल्विन। चलो -1 जूल पर केल्विन आ रहा है, -1.01 वही हो क्या? अच्छा उसका निकाला, सिस्टम का भी निकाला, एक बार और ट्राई करो तो बच्चों को, फिर देखते हैं अभी, अर्शी बता रहा हूँ तो मुझे, सिस्टम का नहीं निकाला।
तो तुम मतलब निश्चित नॉर्मल समय फॉर्मूले से ही हो एटलीस्ट, जाएगा। हाँ नॉर्मल फॉर्मूले से हो जाएगा बिल्कुल। फॉर्मूला तो पुट कर दे एक बार, वैल्यू रख दे एक बार बस, निकाल मत विषय का आंसर। सर आ गया सर, -1 जूल आ गया। चलो -1 जूल किसके साथ निकाल लिया था उसका, -1 जूल किसके साथ निकाल लिया, मुदित निकाल लिया और देखो इधर आंसर उसका -1 जूल है। केस है हमारा कौन सा वाला, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाला है, कांस्टेंट प्रेशर अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर दिया ना, इसमें इरिवर्सिबल वाला केस मानना है आइसोथर्मल, डेल्टा सराउंडिंग्स इज इक्वल टू, और नहीं तो मेंशन करेगा, इरिवर्सिबल होता तो मेंशन करता है, डेल्टा सराउंडिंग्स इज इक्वल टू क्या आएगा, क्योंकि सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है यानी उसने हीट एब्जॉर्ब की होगी, तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव, -Q/T, -Q/T। अब Q की वैल्यू पुट कर देंगे, Q की वैल्यू पुट कर देंगे वही P एक्सटर्नल DV होगी वैल्यू, P एक्सटर्नल DV नेगेटिव में, क्योंकि डेल्टा E जीरो होता है, डेल्टा E जो टू Q प्लस जब भी पुट करोगे डेल्टा को जीरो पुट कर देना, आंसर आ जाएगा -P External dV डिवाइड बाय टेम्परेचर, -P External dV। पी एक्सटर्नल कितना है 3 एटमोसफेयर, डीवी कितना है V2 - V1 यानी 2 - 1, 2 - 1 माइनस में है और टेम्परेचर है 300 केल्विन, यही किया अगर तो यस सर, आंसर किसमें आ जाएगा, यूनिट क्या होंगी, सर लीटर एटमॉस्फेयर। लीटर एटमोसफेयर पर केल्विन। हाँ वो लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन, फिर 101.3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन में आंसर आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई, ये आईआईटी का क्वेश्चन है 2011 में पूछा हुआ है, फिर 101.3 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि जूल पर केल्विन में आंसर आ जाए, 101.3 से मल्टीप्लाई कर देना, सही है। चलो एक क्वेश्चन और निकालेंगे जल्दी से, लास्ट वाला जो दिया मैंने, ये क्वेश्चन और निकालेंगे लास्ट।
फिर हो गया। हाँ गर्व हो गया। यस सर। चलो इसका आंसर देखेंगे एक बार। सर बस 1 मिनट, लास्ट पार्ट रह गया बस। गर्व केस कौन सा लिया है? सर आइसोबारिक। बिल्कुल सही है। आइसो, हाँ आइसोबारिक में रिवर्सिबल, फ्री रिवर्सिबल और फ्री एक्सपेंशन। देखो इधर, डेल्टा सिस्टम, पहले डेल्टा सिस्टम क्या होगा? एनसीपी नेचुरल लॉग T2/T1 होता है आइसोबारिक के लिए, याद है कि नहीं है? एनसीपी नेचुरल लॉग T2/T1, तो 2.303 सीपी की वैल्यू क्या ली है? 7R/2। सीपी, हाँ 7/2R, 7/2R कैलरी में लिया है। अच्छा नहीं सर, जूल में निकाला है, जूल पर कैलरी। जूल पर कैलोरी में निकाला। चलो जूल पर कैलोरी निकाला तो उसको 8.314 लेना, नहीं तो फिर 2 लेंगे वैल्यू, थोड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी ऑप्शन देख करके। 7/2R ली क्योंकि डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस के लिए वैल्यू क्या थी? 7/2R लॉग T2/T1, लॉग कितना आ गया? 2 आ जाएगा सीधा, ये लॉग 2 ये आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल होगा, यहाँ पे लॉग 2 है 0.3, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 4.6 के आसपास कुछ। कितना है घर? चलो तुमने निकाल लेना सर तो ये, क्योंकि वैसे देखो जूल पर तुम, कैलिन में तो 20.7 आ गया था। अच्छा 20.7/4.1 यानी 5 के क्लोज आना चाहिए ना, तो 4.8 के आसपास, 4.8 4.9 के आसपास आ जाएगा कैलरी में, है ना? हाँ ये कैलरी, हाँ ये कैलरी में आ जाएगा, कैलरी पर मोल में आ जाएगा, कैलरी पर मोल पर कैलविन में आ जाएगा। तो डेल्टा एस ही आ जाएगा, डेल्टा एस ही आ जाएगा, ये तो हमेशा हर किसी के लिए ट्रू यही आएगा। डेल्टा सराउंडिंग्स अगर इरिवर्सिबल है तो माइनस QP/T, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है इसलिए, और QP क्या होता है? डेल्टा एच, तो माइनस NCP dT, NCP T2 माइनस T1 डिवाइड बाय फाइनल टेम्परेचर T2, ये फॉर्मूला लगेगा। N की वैल्यू 1, CP की वैल्यू 7/2R, T2 माइनस T1, 600 माइनस 100 लिया ना, यस डिवाइड सर। बाय फाइनल टेम्परेचर 600, सर ये कैंसिल, 2 माइनस 3.5 आया ये कैलरी में। ये निकला है, हाँ सर, लगभग इतना ही आएगा। हाँ। और अगर रिवर्सिबल होता तो यही सेम चीज नेगेटिव हो जाती कि नहीं? हाँ यस सर, यस सर। रिवर्सिबल होता है ये सेम चीज नेगेटिव। ये मैंने जो केस निकाला है, कौन सा निकाला केस? ये इरिवर्सिबल और फ्री एक्सपेंशन होता तो, सही, डेल्टा सराउंडिंग 0 हो जाता हाँ डेल्टा सराउंडिंग जीरो जीरो हो जाता। क्यों? सर। वो फ्री एक्सपेंशन है ना, कोई मतलब ये क्यू, ये ऊपर वाली क्यू वाली टर्म है, वो 0 हो जाती। हाँ निकाल लेना फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन मतलब पी एक्सटर्नल इज जीरो, सही ना? एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है कोई भी, ये समझ आ गया केस की नहीं? मुदित सर ठीक था ये क्वेश्चन। ठीक था, बहुत अच्छे। तो अभी मैंने चार क्वेश्चन कराए ना, इसके मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा अभी। ये चार क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस करें ना, कल मैं जो क्लास लूंगा ना 3:20 के आसपास, उसमें ये इसी के क्वेश्चन कराऊंगा और, लेकिन इसको जरूर कर लेना पहले।
इसको मिस नहीं करना, इसको प्रैक्टिस कर लेना ढंग से।